का पूजा पंडालों का जायजा लेने। रात के बज रहे हैं 10, चल के अभी सबको पहचान पा। ये हो गया हमारा पटना का गर्दनी बाग शिव मंदिर, जो कि पूरा दुल्हन की तरह सजा है, देख सकते हैं। तो हम लोग रात में भी जायजा लेने निकले हैं, कहाँ कहाँ घूमना भी ठीक रहेगा। ये देखिए स्कूटी लगा के निकल गए भाई साहब, कोई अच्छा मेला है, उसी का नाम है मेला। तो ये पटना का जो अभी लुक है, एकदम कार्य प्रगति पर है, जोर शोर से चल रहा है। और ये एक मंदिर जो है विश्वास होटल के ठीक सामने, शिव मंदिर बोलते हैं इसको। और आगे वो काली बाड़ी मिलेगा, बंगाली समुदाय के लोग उसमें पूजा करते हैं। तो ये वाइब जो अभी है एकदम पटना का है, छठ पूजा तक रहेगा। और यहाँ देखिए ये भी एक बन रहा है, देख सकते हैं गर्दनी का एक नंबर रोड में। और ये जो वाइब रहेगा अभी पूरा छठ तक, क्योंकि छठ हिंदू पंजाब के अनुसार हम लोग का अंतिम त्यौहार रहता है, त्यौहार नहीं महात्यौहार महापर्व। और ये देखिए पटना कालीबाड़ी गर्दनी बाग, हालांकि इसमें मैं अष्टमी या नवमी में आऊँगा तो अंदर का सीन दिखाऊँगा, तो बाहर से दर्शन कीजिए। यहाँ का जो माता रश्मि है बहुत बढ़िया, एकदम कोलकाता का ही भी परिचित आते हैं कोलकाता से, वो लोग यहाँ की माँ बहुत पसंद आती है, एकदम कोलकाता का है। कालीबाड़ी का तो बंगाली समुदाय का ही है। यहाँ से आगे निकलते हैं, एक आगे और मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर है, दिखा दे। ये रहा श्री श्री शिव मंदिर, शिव जी का यहाँ देख सकते हैं विराजमान है। और यहाँ अंदर में माँ है, पर अभी खुला नहीं है, कल खुलेगा। ये वीर हनुमान जी, यही गर्दनी बाग रोड नंबर 1 में। और आगे तो बाघ मूर्ति मंदिर से आप लोग परिचित ही होंगे। तो मैं पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी में घूमा था रात में, और फिर आज घूम रहा हूँ। वीडियो में किसी प्रकार का सुझाव हो कमेंट में अवश्य आप लोग डालें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करते चले, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा स्वाद है, प्रोत्साहन है। ये हम लोग गर्दनी बाग मेन रोड पर आ गए थाना के पास, क्योंकि इधर गर्दनी बाग अस्पताल है और सामने में यारपुर पुल है, और ये माँ का भव्य मंदिर, वो आप भाषा में बाघ मूर्ति कर देख सकते हैं जी। यहाँ थाना के ठीक सामने है, यहाँ ट्रैक मिलेगा और यहाँ माँ का ये मंदिर है। तो यहाँ रोड देख सकते हैं दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है, जागरण उगरण का भी पूरा व्यवस्था है। हालांकि अभी मैं कोई पूजा पंडाल के समिति से मैं पहले से नहीं मिला हूँ, तो मैं किसी प्रकार का आप कार्यक्रम क्या लोग आयोजन करवा रहे हैं मैं उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकता हूँ, मगर ये सजावट तो दिखा ही सकता हूँ ताज सज्जा। आगे मंदिर के पास भी एक मंदिर है, सॉरी पुल के पास भी एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर, यहाँ के हमारे मित्र हैं आशीष सर। आशीष सर निवेदन है का। एक दिन पहले ये छठा दिन है,
षष्ठी निकले हैं। ये हम लोग कहाँ हैं, सतमुखी के पास जो गोलंबर है, यहाँ से कटने के बाद ये सीधे ओवर ब्रिज चला जाता है। यहाँ पे आगे रहा विधानसभा के सामने की बाबा हैं। पिछले कई वर्षों से वे अपने सीना पे कलश रख के, नौ कलश रख के वो नौ दिनों तक एकदम के रहते हैं। नौलखा मंदिर यहाँ के हमारे दोस्त लोग जानते होंगे के बारे में। ये हम लोग आ गए पुनाई चौक के पास और यही वो मंदिर है। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए धीरे धीरे। बाबा दिखने नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर देख सकते हैं कई एक कलश के साथ बाबा अपने सीना पे रख के ध्यान मग्न है। नौलखा मंदिर पुनाई चौक यहाँ भी आ सकते हैं, बहुत इस मंदिर का मान्यता रहा है। जो कुछ मानिए मन से मुरादें पूरी होती है। दिल्ली रोड में पुनाई चौक का इलाका है ये, और ये पुनाई चौक में एक कोने पे जो लोग रहते होंगे पता होगा, उन लोग का एक मंदिर है। इस मंदिर का जरा जायजा लेते हैं। और साथियों चूँकि बहुत जगह घूमना है इसलिए मैं चलते चलते ही जायजा ले रहा हूँ। फिलहाल से मैं देखिएगा रिक्शा भाई चौक का इलाका, ये मंदिर अब सजा हुआ। यहाँ पे पंडाल वगैरह बनता है क्या? हाँ आगे ये साइड बना हुआ है। ये पुनाई चौक में आपको ऐसा नज़ारा दिखने का मिलेगा अगर पुनाई चौक आते हैं तो। गांधी स्मारक होता क्या है, अगर बात किया जाए बिहारी भाषा में तो मैं कह सकता हूँ कि अगला हाथ पूरी तरह से लचीलापन है। तो दोस्तों आपका मोबाइल किसी कंपनी का मोबाइल आपका कितनी टूट जाता है तो आप ये नजारा पुनाई चौक का देख सकते हैं। और देखिए कि पूरा सड़क बिल्डिंग है ज़्यादा तैयारी हो रहा है, पूरा चिंगड़ी उंगड़ी पूरा दिख रहा है किनारे पूजा की हो तो बस तैयारी मंदिर में भीड़ बोलती आराम से भाई साहब फिर अगले बने क्या जी। अटल पथ का इलाका पूरा हो गया, यहाँ पे शिवपुरी क्या बोलते हैं मोड़ अंदर में हमारे दोस्त धीरज जी का घर है। उत्तराखंड अगर वीडियो पहुँचेगा तो जरूर देखेंगे अपने इस एरिया को और शायद मिस करेंगे। ये गलिया या चौबारा में हम लोग आने जाना लगा रहता था और धीरज जी के जाने के बाद आपके जाने के बाद लंबे अरसे के बाद आए हैं। यहीं से हम लोग अंदर उधर घूम जाएंगे पूरी दूर की तरफ निकलेंगे। आगे से लीजिए तो ये सहदेव महतो मार्ग, यहाँ अपना 929 मिल जाएगा। आगे
हरिलाल कॉर्नर पर बीकानेर। तो हम आते हैं पाँच मिनट में गाइस, तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप बने रहिए। अभी हम लोग हैं हाईकोर्ट के पास और यहाँ से जाएंगे पटना का हृदय स्थली कहे जाने वाला डाक बंगला चौराहा, जो कि बेतहाशा भी होती है दुर्गा पूजा के अवसर पर। वहाँ का पंडाल का भी जायजा लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे ऑन कैमरा। बस आप लोगों को करना यह है कि जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर चुके हैं शेयर करेंगे अपने लोगों से, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा रिवाज है। और हाँ, अगर आप गाड़ी से आते हैं दशहरा घूमने तो इनकम टैक्स के आगे प्रशासन द्वारा पूरा बंद कर दिया जाता है। यहाँ से लेकर आप डाक बंगले तक आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। हालांकि अभी खुला है, यहीं तक फंसाना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं इसके बाद ये रास्ता पूरा ब्लॉक रहती है। यहाँ का व्यूज आप लोग देखते चलिए। सिग्नल भी मिल गया है हम लोग को। यहीं से देखिए लाइटिंग का प्रभाव, वैसा नजर आप लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पे, अगर आप डाक बंगला में आते हैं तो। ये वेलकम गेट है, इस तरीके का वेलकम गेट आपको मिल जाएगा कोतवाली थाना गेट के सामने से ही, लाइटिंग से पूरा सजा हुआ। और ये आप लोग आ गए डाक बंगले चौराहा के पंडाल प्रांगण, सामने मुड़ गया लोग। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पंडाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे ये रहा पंडाल का नजारा, डाक बंगला चौराहा सर्वश्रेष्ठ पंडाल यहाँ बनाया जाता है। यहाँ पे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब भी आते रहते हैं। और ये सामने डाक बंगला चौराहा, हम लोग झांकी भी खाएंगे। और यहाँ पे ये तरह तरह की झांकी लगेगा, जो कि कॉलेज की लड़कियाँ सभी आती हैं। पिछले बार में आया था तो जेडी यूनिवर्सिटी कॉलेज भाई, अरे जेडी यूनिवर्सिटी लड़कियाँ दिखाते रहती हैं, लोग आएंगे तो देख लेंगे। आप लोग अगर आइएगा डाक बंगला झांकी लगेगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग अब यहीं से यू टर्न लेंगे और आगे से लग जाए क्या, यहीं से लग जाए, उधर पहुँच जाएंगे। यहीं से गाइस यू टर्न, क्योंकि रात हो चुकी है। और यहाँ भी वेलकम गेट आपको इस तरीके मिलेगा, जो लोग डाक बंगला के तरफ से आ रहे हैं पेट्रोल पंप के सामने से। एक बार फिर वही नज़ारा देखिएगा। हाँ, ये रास्ते पूरा ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आप आ रहे हैं टू व्हीलर से, फोर व्हीलर को ये अलाउड नहीं होगा। और यहाँ यही है, हमारे देखने वाले लोग बताएंगे, चैतन्य देवियों की भव्य झांकी। अच्छा, जो वो बैठी रहती है अच्छा, अपने वो लोग आएगा तो कमेंट करेंगे। देखिए फिर पूरा पंडाल का दर्शन कीजिए, पंडाल का भव्यता। ये कहाँ का ये खेती है पंडाल, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, नहीं कहीं का तो है। ये कहाँ का है, किस तरह से बना हुआ है, आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग रिटर्न होते हुए वापस जा रहे हैं। पता नहीं, बहुत ट्रैफिक है। और ये मोरिया लोग
सकते होंगे। आप करें जम कर खरीदारी, पार्किंग चार्ज जिम्मेदारी हमारी। बोरिया लोग ओहो, तो ये आपके लिए नया खबर हो सकता है कि पहले जो पार्किंग का आप पार्किंग चार्ज करते थे, तो बोरिया लोग का जिस दुकान से खरीदारी करेंगे तो पार्किंग वो दुकान वाले ही चुकाएंगे। शर्त यह है कि आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो अभी तक यही वीडियो रखते हैं गाइस, आप लोग ज़रूर पटना घूमें, और पटना के अन्य कहीं विभिन्न जगह पर अगर कोई भव्य पंडाल बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में एड्रेस ज़रूर भेजें, हम लोग जाकर वहां विजिट करने का काम करेंगे और चैनल पर डालने का काम करेंगे कि और लोग भी देख सके। एक बार पुनः आगरा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो लोग कर लिए हैं शेयर करें, अपने लोगों को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को दुर्गा पूजा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें, आपकी सारी मंशा पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।